क्या करेंगे जाके? हम लोग आज ही निकल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि निलाद्री विजय तक वहीं पे रहना है, तो माननीय लॉ मिनिस्टर भी जाएंगे, कल्चर मिनिस्टर भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और शायद हम आज से ही वहीं पे रुकेंगे और निलाद्री विजय तक वहीं पे रहेंगे। देखेंगे कि नीति कांति आराम से हो और प्रभु की जैसे आड़प मंडप से रथ में जाना, फिर रथ से बाहुड़ा यात्रा में जाना और वहाँ पे सुनावेश है, फिर निलाद्री विजय है, ये सब काम आराम से हो उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बाकी जो प्रभु की इच्छा है कि तीन चार दिन उनके सेवा में हम जा रहे हैं, तो हम लोग सब खुश हैं कि प्रभु के कार्यक्रम सब आराम से हो। कोई सब लोग जितने आराम से आते हैं पुरी को, आज पाक तो शायद अनुकूल रहेगा उस टाइम, सब लोग और ज्यादा भी भीड़ होगा सुनावेश में और नया नया प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे है। हमको विश्वास है कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ आसान होगा। आप सराद लोग सराद के साथ और प्रशासन के साथ हम जाने के टाइम पे हम जाएंगे तो आड़प मंडप में प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रशासनिक जो मंदिर प्रशासक है उनके साथ बैठेंगे, उसके बाद जो जो सेवायत है उनके साथ बैठेंगे, एसपी कलेक्टर के साथ बैठेंगे और पुलिस प्रशासन का थोड़ा कड़वा होना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो गलत हुआ है वो गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। और मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं, हमने रथ यात्रा के दिन भी देखे थे बहुत लोग आ रहे हैं, तो शायद इतने लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, फिर भी इस बार देखेंगे कि हमसे कोई चूक ना हो। आज रत्न भंडार भी खुलने वाला है, आपने तो इलेक्शन टाइम भी मोदी जी देखो भाजपा जो बोल के आई थी एक एक करके काम कर रही हैं, चार द्वार खुले हैं और रत्न भंडार भी आज खुलेगा। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे, इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 26 साल में गिनती नहीं हो रही थी, तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी और देखते हैं खुलने के बाद ही पता लगेगा कितने रत्न है प्रभु के पास।